मैडम ट्यूशन की स्पेलिंग क्या है? ट्यूशन काफी प्रचलित शब्द है, आप पढ़ाती भी होंगी, बच्चे पढ़ते भी हैं, ट्यूशन की स्पेलिंग क्या है? और अम्ब्रेला, उसकी स्पेलिंग क्या है अम्ब्रेला? UMBRLA। ये ग्रामर की स्पेलिंग बता पाएंगे क्या आप हमको? GARMAR। कल मैं तुझसे पूछता हूँ, हाँ तेरी इंग्लिश बड़ी स्ट्रांग है ना? बहुत ज्यादा। अच्छा कितनी भाई? बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग मैं बता नहीं सकता। तू चेकोस्लाविया की स्पेलिंग बोल के बता। चेकोस्लाविया भाई, मैं वहां रहता नहीं ना, मैं क्यों बताऊंगा? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड भाई, मैं स्वच्छ भारतीय हूँ। हाँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ, मैं सिर्फ उसी के स्पेलिंग बता सकता हूँ। कहाँ पे? J&K, जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा आप लोगों में से बताइए कि आप लोगों में से कौन ऐसे हैं जो एग्जाम में चीटिंग करते वक्त पकड़े गए हों? आप बताइए मैडम। एक बार क्या हुआ था? हाँ? कि मेरी जो फ्रेंड है, हाँ? वो मेरी कॉपी कर रही थी। एक्चुअली मैम ने उसे पकड़ लिया, फिर मैम उसे बाहर ले गई, बहुत डांटा उसके, फिर उसने पता नहीं क्या जुगाड़ किया, देन वो आधे घंटे में फिर क्लास में आ गई। जुगाड़ किया, वो आ गई, क्या जुगाड़ मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो आप भी अपना कुछ जुगाड़ कीजिए ना, आप कितनी पतली हो गई हैं। भाई बताए, ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया है। हाँ लड़की खुश हो, उसको पतली बोलो तो लड़की। अच्छा गर्ल्स खुश होती है इस बात से? हाँ। अरे वाह नाइस। और कोई? हाँ भाई साहब आप बताइए, क्या नाम है आपका? लक्ष्य। लक्ष्य, आप लक्ष्य बनाओ कि थोड़ा हेल्थी होना है। आप चीटिंग करते थे? हाँ काफी। क्यों? पढ़ के नहीं जाता था, चीटिंग ही होती थी। फिर क्या चीटिंग की, कैसे? पढ़ के नहीं गया था, फाइनल पेपर था। हाँ। तो फोन लेके गया था साथ में। फोन लेके गए थे? हाँ। फिर तो मैम ने पकड़ लिया, फिर मैम ने बोला कि अब तुम्हारा माल प्रैक्टिस का फॉर्म भरेगा एंड ऑल। तो मैं बैठ गया, मैं गया ही नहीं बाहर। तो फोन चेक कर लिया होगा? मैम ने फोन ले लिया था मेरा। अच्छा। फिर मेरा दोस्त काफी एंजॉय हुआ ना फोन देख के, ऐसे ऐसे चीजें हैं। तो मेरे पीछे बैठा था। हाँ। तो वो चिट्स लेके आया था, तो मेरा फिर उसके बाद भी चीटिंग का जुगाड़ हो ही गया था। क्या बात, आपने फोन छुपाने की कोशिश नहीं कहीं पे? मैंने छुपाया हुआ ही था, मैं वहाँ के चेक कर ली थी, वो पहले भी पकड़ा जा चुका था। मैं इधर। तो भाई इसका मतलब आपने सोचा हुआ है अभी चीटिंग कर करके लक्ष्य पूरा करना है जिंदगी का। आप लोग चीटिंग करके अपने एग्जाम में पास मत हो जाओ, मेहनत करके पास हो। भाई मेहनत करके कौन पास होता है? तो पागल है, चीटिंग करो पर उतनी करो कि टॉप ना करो, टॉपर नहीं बना, टॉपर को बहुत प्रॉब्लम आती है। अरे बुड़बक, हम अंग्रेज थोड़े ना जो अंग्रेजी पिएंगे, हम तो देसी है, देसी पिएंगे। ले तेरे लिए भी है, आज मैं देसी नहीं पी सकता, मुझे जब मैं देसी पीता हूँ तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। I'm sorry. अरे तेरी छोटू। अरे श्याम। यस सर। वो कुछ लोग मिलने आने वाले थे मुझे, पहुंचे नहीं पता। अभी तक तो कोई नहीं आया सर। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो सच दस के? अरे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं। अरे वाह चाचा, तुम्हें भी शादी के जाने का शौक है? शादी में केवल दुल्हन देखने का शौक है बेटे, ताकि ये पता लग जाए
किसके मोबाइल में नया सिम डल रहा है और किसकी बैटरी लो होने वाली है। देश की महान गायिका कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के पिता श्री राजाराम गायकवाड़ के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। श्री राजाराम गायकवाड़ ही वो व्यक्ति थे जिनसे उनकी दोनों बेटियां कल्याणी और केतकी ने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। महान कलाकार श्री राजाराम गायकवाड़ का आभार पूरा देश मानता है, जिनकी वजह से इस देश को कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के रूप में दो अमूल्य गायिकाएं मिली। पहले राजाराम गायकवाड़ संगीत सम्मान से खुद कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री को सम्मानित किया जाएगा।